नादरीन आज के प्रोग्राम का मौजू है तारीख़ क्या है तारीख़ के इस सफ़र में हम माया नाज़ मौरख डॉक्टर मुबारक अली से गुफ्तु करेंगे हम उम्मीद करते हैं कि तारीखी खोज और जस्जू के इस सफ़र में आप हमारे साथ शरीक रहेंगे डॉक्टर साहब तारीख़ की क्या बुनियादी तारीफ़ की जा सकती है क्या तारीख़ मुस्त वाक़ का मजमू है या वक्त के साथ साथ नए शवाहद की रोशनी में वाकत भी बदलते रहते हैं देखिए तारीख को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं यानी एक तो है वाक़ और उसके बाद हम उस वाक़े की सच्चाई को साबित करने के लिए शहादतों को इकट्ठा करते हैं यानी वाक़ होते हैं फिर उसकी शहादत होती है फिर उस वाक़े की हम तो तश्र या उसका एक जिसको कहते हैं इंटरप्रटेशन हम वो करते हैं अच्छा दूसरा ये है कि वक्त के साथ साथ वाक़ तो एक ही होता है लेकिन वक्त और हालात के तहत वाके की तफसीर या वाक़े का मफहम जो है वो बदलता रहता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम जिस वाक़े को जिस अंदाज़ में देख रहे हैं मुस्बिल में भी उसी को देखें मुस्तबिल में वो वाक़ जो है वो तो वही रहता है लेकिन उसका मफहम जो है वो बदल जाता है और यही तारीख की खूबसूरती है कि यह अपने आप को बदलती रहती है एक जगह ठहरी हुई या जामित नहीं है और यही वजह है कि तारीख से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौक़ा मिलता है इस सिलसिले में कोई आप मिसाल दे सकते हैं जिससे ये वाज हो अच्छा एक... देखिए उसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि एक वाक़ है कि हिंदुस्तान में महमूद गजनबी ने हमला किया वाक़ है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन अब इस वाक़े को दो तरह से बयान किया जाता है एक तो इस तरह से बयान किया जाता है कि महमूद गजनवी ने हमला किया यहाँ पर इस्लाम के तबलीग के लिए और इसलिए उसका ये मकसद जो था वो ये था कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की तलीमत को फैलाया जाए एक दूसरा नुक़ नजर यह है कि महमूद गजनवी ने यहाँ पर इसलिए हमला किया कि यहाँ उसको माल और दौलत की ज़रूरत थी लूट मार की ज़रूरत थी इस मकसद के लिए वो आया तो वाक़ एक ही है लेकिन इसको दो तरीक़े से बयान किया जा रहा है और भी इसका तीसरा मफहूम भी कोई तलाश किया जा सकता है लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि आप जो भी बात करें उसका आपके पास कोई इस्तलाल जो है वो होना चाहिए बग़ैर उसके महज राय देने से बात नहीं बनती है तारीख़ के इल्म के अहम माखज़ कौन से हैं अच्छा तारीख के इल्म के देखिए बहुत से माखज़ हैं एक तो सबसे पहला माखज़ तो हम कहते हैं तहरीरी तारीख है यानी मसवदात हैं फिर जो बाद में सानवी तारीखें लिखी गई वो हैं लेकिन उसके अलावा ज़बानी तारीख जो है वह भी बहुत अहम है ये वो ज़बानी तारीख होती है जो सीना बसीना मतलब के एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाती है और लोग बाद में उसकी बुनियाद के ऊपर तारीख की तश्ील करते हैं इसके अलावा दूसरे जो माखज़ हैं मसलन उसमें कदबात हैं कि आपको पता होगा जैसे अशोक के ज़माने में उसने अपनी हुकूमत की कुछ हिदायत कदबात पर लिख के यानी शाहरा के ऊपर नस्ब करा दी थी आज उनकी मदद से हम अशोक की पॉलिसीज़ जो हैं या उसकी हुकूमत का तर्ज जो है उसके बारे में हम कह सकते हैं बिल्डिंगों के ऊपर आप कतबाथ देखते हैं वो तारीख़ सोर्स हैं फिर सिक्के हैं चांदी के सिक्के हैं आ, सोने के सिक्के हैं तांबे के सिक्के हैं उनकी मदद से आप उसके यानी माशी हालात जो है उसको आप आ, बयान कर सकते हैं इसके अलावा और दूसरे जो अहम सोर्सेज हैं मसल मुसवरी है पेंटिंग्स हैं के मसलन मग़ल दौर के मिनीचर्स जो हमें मिलते हैं उसकी मदद से हम अहद की सोशल तारीख जो है वह हम लिख सकते हैं फिर मुजस्मा साज़ी है मुजस्मे जो हैं उनकी मदद से उसके अलावा आज के दौर के अंदर जदी दौर में मुसवरी आ गई है हम तस्वीरों की मदद से तारीख लिख सकते हैं जब से कैमरा आया है और अब उसके साथ ही साथ अखबार हैं रसायल हैं और अब इंटरनेट है तो ये सभी तारीख़ के सोसेज़ हैं जिनकी मदद मतलब से तारीख को लिखा जाता है लेकिन क्या ये तमाम माखज़ यकसा अहमियत के हामिल हैं नहींसा अहमियत के हामिल नहीं हैं जाहिर है, है कि इसमें मार्ग को तहकीक़ की ज़रूरत होती है मसा तहरीरी ते, तारीख में भी जो मसवदात थे चूँकि मुख्तलिफ़ अव में लिखे गए थे तो उसमें लोगों ने अपनी तरफ से भी इजाफे कर दिए थे इसी वजह से अब इस बात का कि का की इब्तदा हुई है कि इन मसवदात को एडिट किया जाए ताकि एक तसीशुदा मसवदा हो उन सारे मसवदात की रोशनी में जो अब तक मौजूद हैं ताकि आपको सही तारीख जो है उसकी मदद मिल सके इसी तरीके से ज़बानी तारीख जो है उसको भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें पूरी मालूम हैं चूँकि हर नस्ल के अंदर आके ए, कुछ ना कुछ तफसील जो है वह बढ़ जाती है लेकिन कदबात ऐसे हैं कि जिसमें कोई आप इजाफ़ा नहीं कर सकते हैं जो लिखा हुआ है वो इसी तरीक़े से रहता है सिक्के भी उसी तरीके से हैं मिनीचर जो हैं वो उसी तरीके से हैं मुजस्मा साजी जो है उसी तरीके से है होता यह है कि का, का काम यह होता है कि वाक़े की शहादत को जमा करते वक्त तहकीक़ के साथ मुख्तलिफ माखज़ों की मदद से ये साबित करें कि असल वाक्य क्या था अगरचि ये बहुत मुश्किल है मैं समझता हूँ ये कि ये साबित करना कैसल वाक़ कैसा था क्या और कैसे हुआ लेकिन बहरहाल फिर भी महिला के मौलिक इस बात की आजकल जदीद जो तहकीक़ के अनासर हैं उनकी मदद से ये काम कर रहे हैं जनूबी एशिया की तारीख में तो हमें तहरीरी माखज़ मिल जाते हैं लेकिन ऐसे इलाके जैसे अफ्रीका में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी उसके यहाँ तहरीर की जगह तकरीरी यानी ज़बानी इल्म की मुंतगली का ज़रिया अहम था अफ्रीका के हवाले से तारीख़ अगर लिखी जाए तो उसमें कैसे लिखी जाएगी क्या वो महज जो ज़बानी इल्म है उसके ऊपर उसका इन्हसार होगा अच्छा ये जैसा आपको पता होगा जब अट्ठारह सौ पैंतीस में हेगल ने लेक्चर दिया था तारीख़ के ऊपर तो उसने कहा था एक तो हिंदुस्तान की कोई तारीख़ नहीं है यह बात कही थी दूसरी उसने कहा था अफ्रीका तारीख़ बर अज़म है यानी उसकी तो कोई तारीख ही नहीं है लेकिन अब उसके इस चैलेंज को यूरोप के मरखीन ने भी और अफ्रीका के मरखीन ने भी कबूल किया है और अब वो ज़बानी रवायात की बुनियाद के ऊपर तारीख लिख रहे हैं मस एक मशहूर किताब लिखी गई है ब्लैक एथीना उसमें उन्होंने कोशिश की है कि अफ्रीका के कबाइल की उनके रस्म व रवाज की उनके आदात की उनकी जो प्रैक्टिस हैं उनकी तारीख जो है वो लिखी जाए तो अब यह है कि अफ्रीका की तारीख जो अब तक एक तरह से गुमशुदा तारीख थी जबानी रवायात की बुनियाद पर उसको दोबारा से मतलब कि तश्कील जो है वो दिया जा रहा है तो हम ये तो कह सकते हैं कि शायद ये तहरीरी तारीख की तरह से कोई बहुत ज़्यादा मस्हकम तारीख नहीं लेकिन फिर भी एक तारीख़ की शक्ल है कि जो आजकल के अफ्रीकन और यूरोपियन मरखीन ने ये साबित किया है कि इनकी अपनी भी एक तारीख है जो ये नहीं कह सकते कि ये लोग तारीखी गुमनामी में थे पाकिस्तान <coughs> की तारीख <coughs> के अहम माखज़ कौन से हैं अच्छा पाकिस्तान में तारीख़ के जाहिर जब हम अहम माखज़ का जिक्र करते हैं तो उसकी बुनियाद होती है कि हम किस अहद की तारीख लिख रहे हैं अगर हम कदीम अहद की तारीख लिख रहे हैं मसल वादिय सिंह की तारीख है या टेक्सला की तारीख है तो ज़ाहिर हमारे पास फिर तहरीरी मवाद कम हैं फिर हमें आषार कदीमा की मदद लेनी पड़ती है लेकिन जब हम आते हैं ख़ास तौर से वस्ती के अंदर तो यहाँ हमें भी तहरीरी तारीख जो है वो मिल जाती है और ये तहरीरी तारीख बहरा लेकर अहम शोर से ख़ास के केहद का या मुग़लिया के केहद का कि के जिसकी मदद से हम चूँकि और इस ज़माने में कई माखज़ हैं तो हम उन माखज़ों की मदद से सही वाक़े तक भी पहुँच सकते हैं तो इस वजह से वस्ती की तारीख जो है हिंदुस्तान की वो काफ़ी हद तक नए अंदाज के अंदर तश्कील दी जा चुकी है ये जो पाकिस्तान की तारीख के जो अहम माखज़ जिसमें आपने आषार कदीमा का जिक्र किया जिसमें आपने कुतुब खानों का जिक्र किया क्या इनकी मुनासब देखभाल का इंतज़ाम है अच्छा ये एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे यहाँ जो मसवदात हैं मतलब कि उनकी कोई देखभाल का होना या अभी तक उन मसवदात को एडिट करके उनको शाइ करना ताकि तसीशुदा मवाद जो है वह आपके सामने आए या आसार कदीमा की देखभाल होना वहाँ से जो अशियाँ मिली हैं उनकी मदद से उस उसद की समाजी तारीख को तश्कील देना तो ये जो इतना काम है उसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है जो हमारे यहाँ अब तक मतलब तक ये काम नहीं हुआ इस वजह से हमारी अब तक ये देखें पाकिस्तान की कदीम अहद की तारीख हमारे पास नहीं है द वस्ती की तारीख तो खैर मिल जाती है लेकिन कदीम अहद की तारीख के बारे में हमारे पास बहुत कम मवाद है और उसके ऊपर कोई बहुत काम भी नहीं हुआ है डॉक्टर साहब इंसानी तारीख कितनी पुरानी है और उसको किन अदवार में तकसीम किया जाता है अच्छा आप देखें इसको एक तो यह कि पुरानी बहुत है लेकिन अब यह कि उस पुरानी तारीख को तारीख़ में ये देखते हैं अदवार के किसी मरहले के ऊपर जब एक बहुत इनकलाबी तब्दीली आती है तो वहाँ ये कहते हैं कि इसके बाद से एक नया दौर जो है वो शुरू होता है लिहाजा तारीख को जिस तरह से तकसीम किया गया है वह यह है जैसे कि जिसको कहते हैं हंटिंग गैदरिंग का ज़माना कि शिकार का ज़माना और जब गज़ा जमा की जाती थी आसान सा था इंसान के पास अभी कोई औज़ार हथियार जो है वह नहीं थे वो शिकार के ऊपर या जड़ी बूटियाँ हैं फूल हैं उनके ऊपर गुजारा करता था दूसरी स्टेज वो आती है जिसको कहते हैं पत्थर का ज़माना कि जब जब उसने पत्थर से औज़ार और हथियार बनाना शुरू किए तो उसके पास एक मौसर हथियार आ गए जो आसानी के साथ अब वो शिकार कर सकता था पत्थर के ज़माने से जब गुजरता है वो तो फिर आता है कांसी के ज़माना जिसके अंदर कांसी के फिर हथियार और औज़ार जो हैं बन जाते हैं और काँसी के ज़माने की तहजीबें जो हैं वो पैदा होती हैं जिनमें बेसोपोटामिया हैं है वादी सिंह की तहजीब है चीन की तहजीब है यह ख़ास खास, -खास तहज़ीबें है जो हैं यह कांसी की हैं उसके बाद फिर आता है लोहे का ज़माना लोहे के ज़माने में चूँकि औज़ार हथियार बड़े मौसर हो जाते हैं खेती बाड़ी होने लगती है और इसलिए इस ज़माने की तहजीबें है जो हैं और ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाती हैं तो इस तरह से एक तो तकसीम किया है यानी कि किस तरीके से इंसान के औज़ार और हथियार ने उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई उस हिसाब से अदवार को बनाया है आगे चल कर जब हम आते हैं तो फिर जनरली तारीख को हम तीन अदवार में तकसीम करते हैं एक को हम कहते हैं कदीम तारीख दूसरे को कहते हैं हद वस्ती की तारीख़ और तीसरा होता है जदीद ज़माने की तारीख लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो कदीम और द वस्ती और जदीद इसको मरखों ने कोई ख़ास यानी तवारीख के हिसाब से तकसीम नहीं किया है हम अपने पाकिस्तान के अंदर अहद वस्ती को कहीं और से शुरू करते हैं मतलब 8वीं आठवीं सदी से शुरू करते हैं कहीं मतलब कि यह पहले या बाद में शुरू हो जाता है तो एक तरह से यह एक थोड़ा सा इसका इसार मरखों के पर होता है कि इन अदवार को अपनी मर्जी के हिसाब से मतलब के तकसीम कर दे और यह मसला ये मतलब होता है कि इसकी मदद से हम तारीख़ के तसलसल को समझ सकें इस बहस की रोशनी में आप क्या समझते हैं बहसीियत मै के पाकिस्तान की तारीख की इब्तदा कहाँ से की जा सकती है अच्छा आप देखें पाकिस्तान की तारीख के बारे में तीन हमारे पास राय हैं मतलब कि एक राय को हम कह सकते हैं कि जो जगराफियाई नुक़ नज़र से मतलब कि देखती है ज़गराफियाई नुक़ः नज़र से जो देखते हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपनी तारीख वहाँ से शुरू करनी चाहिए जहाँ हमें तारीख़ी आसार मिले हैं मसला मेहरगढ़ की दरियाफ़त के बाद से हमें अपनी तारीख मेहरगढ़ से शुरू करनी चाहिए यानी जो तकरीबन सात हज़ार कब्ल मसीह का ज़माना है फिर वादिय सिन का ज़माना आ जाता है उसको हमें अपनी तारीख के अंदर शामिल करना चाहिए दूसरा नुत नज़र जो है उसको हम कह सकते हैं कि वह मजहबी नुक़ नज़र से तारीख को देखते हैं वो कहते हैं कि हमें अपनी तारीख जो है उस वक्त से शुरू करनी चाहिए जब अरबों ने सिंध को फतः किया था यानि सात सौ ग्यारह और बारह ईस्वी के अंदर और इससे पहले की तारीख़ का ताल्लुक़ चूँकि हमसे नहीं है लिहाजा उसे हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए और एक तीसरा नुक़ः नज़र है उसको हम कह सकते हैं सियासी नुकतः नज़र उनका कहना यह है कि चूँकि पाकिस्तान उन्नीस सौ सैतालीस में कायम हुआ था लिहाजा हमें अपनी तारीख जो है वो उन्नीस सौ सैंतालीस से शुरू करनी चाहिए तो ये तीन नुकह हाँ नज़र हैं लेकिन मसला जो है वह यह है कि हमारे यहाँ इन तीनों नुतहा नज़र को कोई मौसर या इस्तलाल के साथ पेश नहीं किया गया है या जिसको हम कहें कि कोई मकतब फ़िक्र हो जो अपनी बात कहे और वह बात जो है वो यानी इलमी हलकों के अंदर भी काबिल कबूल हो लोगों के अंदर भी काबिल कबूल हो वो बात अब तक इन तीनों चीज़ों के अंदर हमें तीनों रायों के अंदर हमें नहीं मिलती है तारीख <स्याँ> के बारे में एक आम तासर यह पाया जाता है कि ये अजीम शख्सियात के वाक़ का गोरख धंधा है क्या आपके ख़्याल में गैर अहम वाक़ और आम लोग भी तारीख़ में कोई किरदार अदा करते हैं अच्छा देखें ये बहुत एक ज़माने में पुराना ख्याल था क्योंकि जिस ज़माने में मतलब कि ये समझा जाता था कि तारीख को बनाने वाले अजीम शख्सियतें हैं और मतलब कि जैसे कार्य की बड़ी मशहूर किताब है हिरोज इन हिरो वर्शिप जिसमें उसने कहा है कि तारीख जो है सिर्फ अजीम शख्सियतें ही बनाती हैं तो बड़े अरसे तक ये नज़रिया जो था वो तारीख़ के अंदर रहा लेकिन ये कोई 1960 की दहाई की बात है कि एक बरतानवी मरख थे एडवर्ड टॉम्सन उन्होंने एक मजमून लिखा हिस्ट्री फ्राम द बिलो यानी नीचे की तारीख़ और उसमें उन्होंने कहा कि ये तासर जो है बिल्कुल ग़लत है कि तारीख़ को बड़ी शख्सियतें बनाती हैं अगर हम तारीख़ के अमल को देखें तो हमें नज़र आएगा कि तारीख को बनाने वाले जो हैं ये आम लोग हैं और उन आम लोगों की तारीख को लिखने के लिए फिर एक मौरिकों की पूरी एक टीम थी वाई आई उन्होंने चरवाहों की तारीख लिखी किसानों की तारीख लिखी वर्कर्स की तारीख लिखी ग़ुलामों की तारीख लिखी तो अब देखें बहुत एक नया तारीख का नुक़ नज़र जो है वो सामने आया अब मसलन उनका कहना है कि आमतौर तो से ये आ, कहा जाता था कि मिस्र जो है दरियाए नील का तोहफ़ा है लेकिन उन्होंने कहा कि दरियाए नील बसाते खुद कुछ भी नहीं हैं अगर मिस्र के किसान उस दरिया से नहरें नहीं निकालते खेतों को सैराब नहीं करते और वहाँ पर एक तहजीब पैदा नहीं करते तो जाहिर है कि मिस्र जो है वो सहरा की मानी ही रहता दरियाए नील बसाते खुद उसने सरसब्ज नहीं किया है ये किसानों ने किया है इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आमतौर से हमारे